दोस्तों नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सभी का निखार कार्यक्रम के तहत सहयोगात्मक अधिगम चरण द्वितीय चरण में। आज हम गणित विषय के कार्यपत्रक 32 पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका विषय है पूर्णांकों के साथ संक्रियाएं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां पर दिया हुआ है ऊपर पूर्णांकों के साथ संक्रियाएं, इसमें इन कथनों को पूरा करो ऐसा लिखा हुआ है। दो धनात्मक संख्याओं का योग क्या होगा? तो दो धनात्मक संख्याओं का योग धनात्मक संख्या ही हमको प्राप्त होगी। दो ऋणात्मक संख्याओं का योग, दोनों ऋणात्मक संख्याएं जुड़ेंगी लेकिन आंसर हमारा ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या का योग, तो ये संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यदि ऋणात्मक संख्या का आंकिक मान बड़ा है, धनात्मक संख्या का आंकिक मान छोटा है, तो उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होगा। और धनात्मक संख्या का आंकिक मान बड़ा है, ऋणात्मक संख्या का आंकिक मान छोटा है, तो उत्तर हमें धन प्राप्त होगा। ये देखिए इस प्रकार से तीन ऋण पांच, यहां पर देखिए तीन में हम पांच घटा रहे हैं, इसलिए हमें उत्तर प्राप्त होगा ऋण दो। तीन ऋण पांच में दो घटाएंगे, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक दो तीन इधर, और जो ऋणात्मक संख्या उसको एक दो तीन चार पांच, चाहे जिसको हम धन धन लिख सकते हैं क्योंकि तीन धन है हमारे पास, तो ये एक धन के साथ ये एक ऋण कटेगा, दूसरा धन के साथ ये ऋण कटेगा और तीसरा धन के साथ ये ऋण कटेगा। अब बच गया हमारे पास दो ऋण, एक दो, तो यहां पर दो आएगा। ठीक इसी प्रकार देखते हैं यहां पर पांच में तीन घटाएं तो उत्तर क्या आएगा? दो। यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच धनात्मक संख्या है इसलिए पांच बार धन लिख लिए, और तीन ऋणात्मक है तीन बार ऋण। इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया, अब बचा कितना? दो धनात्मक बचा, इसलिए यहां पर आएगा हमारा उत्तर दो। इस प्रकार से संख्या पर निर्भर करता है कि ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो उत्तर ऋण में आएगा, धनात्मक संख्या बड़ी है तो उत्तर धन में आएगा। इसी प्रकार के कथन आपको यहां पर तैयार करना है जो यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर देखिए एक प्रश्न और है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो जैसे अभी बताया गया दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, एक धनात्मक संख्या में दूसरे धनात्मक संख्या को हम घटाएंगे तो निश्चित रूप से जो संख्या बड़ी होगी उसी के चिन्ह के आधार पर यहां पर भी चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक आएगा। यहां पर प्रश्न ब को ऐसे ही बनाना है जैसे यहां पर बनाया गया, हम यहां पर बात करेंगे प्रश्न श। के लिए देखिए पहला आपको यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसे ही और सवाल बनाएंगे यहां पर के उन्हीं उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके। तो देखिए यहां पर ये हम श का पहला एक बनाए हैं, पहला तो यह है ऋण और ऋण दोनों को हम गुणा करेंगे तो उत्तर हमको धन प्राप्त होगा। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। देखिए ऋण पांच गुना ऋण चार बराबर बीस, यहाँ पर ऋण नहीं आएगा क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है? धन होता है। ये आपको छठवीं कक्षा से ही बताया जा रहा है। फिर ऋण एक ऋण संख्या और एक धन संख्या दोनों को गुणा करेंगे तो हमेशा उत्तर ऋणात्मक संख्या ही हमको प्राप्त होगी। यानी कि एक ऋणात्मक संख्या है एक धनात्मक संख्या है, दोनों में से कोई भी एक ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है, दोनों को गुणा करने पर उत्तर हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। दोनों धनात्मक संख्या है तो ये तो फिर निश्चित रूप से धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार द में देखिए आप, द में भी भाग के सवाल दिए हुए हैं, यानी भाग करके बताना है आपको। आप यहाँ पर द में देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया ऊपर की तरह भाग की क्रियाओं के लिए नियम लिखो, तो भाग की क्रियाओं के लिए आपको भी नियम लिखना है। तो नियम ऐसा हो जाएगा ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग देने पर हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, ये आपको लिखना है नियम। मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, लिख के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक बार इधर समझ लीजिए। फिर देखिए दूसरा हम नियम बना सकते हैं, किसी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग देने पर उत्तर जो है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण में, ये ऋण, क्योंकि ऋण छः है, ऋण छः को दो से भाग दे रहे हैं हम, तो उत्तर आएगा ऋण में। ठीक उसी प्रकार देखिए धनात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग दें तो हमें उत्तर
धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इसके नियम हैं, बहुत सामान्य से नियम हैं। कक्षा आठवीं में भी पहला अध्याय में सभी नियमों को दिया गया है वर्ग और घनमूल के अंतर्गत। आप चाहे तो एक बार पुनः उसको देख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इनके और सवालों पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझने के लिए कुछ संक्रियाएं दी हुई हैं, कुछ अवधारणाओं को निकालने का तरीका बताया गया है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं विश्वास करता हूँ कि वो आपको समझ में आएगा। और फिर उसके बाद हम इधर देखिए, आपको और अच्छे समझने के लिए जो कक्षा आठवीं के अध्याय एक में दिया है उसी को यहाँ पर विस्तार दिया गया है। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे देखिए, ऋण एक, एक बार गुना होगा तो उत्तर हमारा ऋण एक ही आएगा। ऋण एक गुना ऋण एक दो बार गुना होगा, उत्तर हमारा धन में आएगा। ऋण एक गुना ऋण एक गुना ऋण एक होगा तो उत्तर हमारा फिर से ऋण एक में आएगा। इसी प्रकार से जब ऋण एक संख्याओं की संख्या जो है वो सम में होगी तो एक आएगा, और विषम में होगी तो ऋण एक में आएगा। यानी यहाँ पर जोड़ी बनेगा जब दोनों का तो उत्तर धनात्मक में आएगा, जोड़ी नहीं बनेगा एक कोई छूट जाएगा तो फिर उत्तर ऋणात्मक में आएगा। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए, तो बात हुई कार्यपत्रक 32 की। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 33 की। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन को दबा कर रखे हैं तो मैं समझता हूँ कार्यपत्रक 33 त्रिभुज से जुड़ी पहेलियाँ, ये हम पहले ही बना के डाल चुके हैं हमारे YouTube चैनल में, तो आप देख चुके होंगे। आप पूरा ये सभी चीज़ें हम पहले ही भेज चुके हैं, आप देख लीजिएगा। इस तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है दोस्तों कुछ सवाल, ये भी हम चौथा सवाल भी वहाँ पर करके देख चुके हैं। ये सवाल हम अभी नहीं किए थे। देखिए, ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसके दो कोण समकोण हो। तो त्रिभुज के कोणों के बारे में आप पढ़े हैं और ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, और ऐसा संभव नहीं है कि दो ही कोण 180 अंश के हो जाए तो तीसरा कोण कितने का होगा। भाई, ऐसे हम त्रिभुज बनाएंगे, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप है वो 180 अंश होता है, और ऐसे यदि हम दोनों कोणों को 90-90 का बना दें ऐसा, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, त्रिभुज नहीं बनेगा। इसलिए ऐसा संभव नहीं है। ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसके सभी कोण अधिक कोण हैं। तो हम यदि ऐसा तीन भुजा वाला कोई आकृति बनाए, ये देखिए, ये भी अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है, कहाँ बना त्रिभुज? त्रिभुज तो बना नहीं। तो इस प्रकार से दो अधिक कोण वाले त्रिभुज नहीं बन सकते, दो समकोण वाले त्रिभुज नहीं बन सकते। हाँ, तीनों कोण न्यून कोण हो ऐसा संभव हो सकता है, और ये प्रायः हम करके देखते भी हैं। यहाँ पर देखिए, त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच संबंध लिखो, ऐसा लिखा हुआ है। मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। पहला तो ये होगा, तो देखिए, हम यहां पर पहला लिखेंगे। जैसे त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, सबसे छोटी भुजा ये है, और बीच का भुजा ये है। तो देखिए, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण हमेशा बड़ा होता है और छोटी भुजा के सम्मुख कोण हमेशा छोटा होता है। तो पहला तो हम लिख सकते हैं, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण हमेशा बड़ा होता है और छोटी भुजा का सम्मुख कोण हमेशा छोटा होता है। फिर देखिए, यदि तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो, तब उनके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। दो भुजा बराबर हो तो दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण, ये देखिए, दोनों सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हम भुजाओं और कोणों के संबंध में लिख सकते हैं। यदि त्रिभुज अधिक कोण है तो निश्चित रूप से एक जो कोण है वो बहुत बड़ा होगा, और उस कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। इस प्रकार से हम इस नियमों को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।